रहा है स्क्रीन आप लोगों को? बोलो, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। लास्ट क्लास हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, याद है आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस? हाँ सर। ठीक है, मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हम लोग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग थोड़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब जैसे मैंने बताया था क्या, कि यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे क्या, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। जैसे एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिया हाइट ऑफ प्लांट, ये एक पहला एक करेक्टर ले लिए, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं शेप ऑफ सीड। ये दो करेक्टर, दो कंट्रास्टिंग करेक्टर ले रहे हैं, तो ऐसे स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, जहां पे हम लोग दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर ले रहे हैं। तो देखो इसको कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लो पेरेंट वाला जो प्लांट है, हाइट में जो टॉल है उसको मान लो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या है? प्योर टॉल। और इसके साथ हम इसका जो सीड लेते हैं, देखो दो चीज हम लोग लेंगे, हाइट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट में क्या होता है? टॉल। और इसके साथ क्या हो सकते हैं? ड्वार्फ। तो प्योर टॉल होगा तो उसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर प्योर ड्वार्फ होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी स्मॉल। और जो सीड का शेप है उसमें हम लोग दो टाइप का लेंगे, एक होगा राउंड तो उसको हम लोग लेंगे कैपिटल आर, और एक होगा रिंकल्ड। तो इसको हम लोग लेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। अभी देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी में डोमिनेंट कौन सा है? ये क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है। कैपिटल टी यस, ये डोमिनेंट है। और राउंड और रिंकल्ड वाला में ये क्या है? डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट। तो अभी चलो, पेरेंट में दो करेक्टर लिया मैंने, वो टॉल भी है और साथ में उसका जो सीट का शेप है वो कैसा है? वो राउंड है। ठीक है, मतलब ये टॉल एंड कैसा शेप का है? राउंड। और इसका हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ प्लांट होगा, और उसका सीट का शेप कैसा होगा? रिंकल्ड होगा, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो अभी यहां से देखो, इससे जो फर्स्ट जनरेशन बनेगा F1 जनरेशन, उसमें क्या होगा? जितना भी आपको मिलेगा टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होगा। जैसे जब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे कितना पॉसिबिलिटीज था बताओ? सर 4। सर 4। यहाँ पे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो पहला जो जनरेशन होगा उसमें टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होगा। जैसे देखो इसका जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा? कैपिटल टी आएगा इसमें से, और राउंड वाले में से क्या आएगा? कैपिटल आर। ऐसा दो बनेगा ना? बोलो। यस सर। मतलब ये समझ में आया वाला?
चलो समझाते हैं। देखो जैसे ये जो है ये कितना पेयर है, इसके पास क्रोमोसोम 46 पेयर हुआ ना, इसके पास भी ये फीमेल वाला है, कितना होगा 46 पेयर। ये जर्म सेल है, तो जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, मायोसिस सेल डिवीजन होगा, और मायोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये दो डॉटर सेल बनाएगा। कितना कितना क्रोमोसोम वाला, 23 23 क्रोमोसोम वाला। तो इसके पास जो आएगा, देखो इन दोनों में से एक आएगा कैपिटल टी, और इसमें से एक होगा टी, और एक और बनेगा जिसके पास भी क्या होगा, कैपिटल टी और क्या होगा कैपिटल आर। दोनों के पास 23 23 पेयर क्या होगा, क्रोमोसोम। उसी तरीके से इसका भी जो दो डॉटर सेल बनेगा उसके पास कैसा होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके पास भी क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। अभी देखो ये जब आपस में ये लोग क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो देखो ऑलमोस्ट क्या होगा, F1 जनरेशन जब होगा तो देखो ध्यान से मैं इसको दिखा रहा हूँ, हालांकि आप लोग को डायब्रिड में ये वाला दिखाने का दरकार नहीं होता है गैमेट फॉर्मेशन। जैसे मान लो ये इसके साथ अगर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये बना देगा। अगर ये मान लो इसके साथ करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ रहा है ये सब, यस ये इसके साथ अगर मान लो क्रॉसिंग किया तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये अगर इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा। तो ऐसा आप लोगों को फोर दिख रहा है ना, एक्चुअली ये एक ऐसे सेम टाइप का आपको एट जो मिलेगा प्लांट मिलेगा, टोटल एट पॉसिबिलिटीज होगा। ऐसा एट बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो बना है F1 वाला, ये कैसा प्लांट होगा बता सकते हो, टॉल होगा या डॉर्फ होगा? टॉल और राउंड होगा। टॉल होगा क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और इसका जो सीड का शेप होगा वो कैसा होगा, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा? राउंड यस। टॉल के साथ क्या होगा, राउंड। मतलब यहाँ पे जो भी एट आपको F1 जेनरेशन में प्लांट मिला आप देखोगे सारा का सारा क्या होगा, टॉल होगा और राउंड होगा। ठीक है, सर, हालांकि बाकी चार पॉसिबिलिटीज कैसे आएगा, ये तो चार ही निकला ना। ये प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे मान लो ये स्मॉल टी वाले पहले कर दोगे, कैपिटल टी वाला बाद में लिख दोगे, स्मॉल आर पहले कैपिटल आर बाद में, तो वैसा और चार पॉसिबिलिटीज आते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी है ना, इसको आपको पॉसिबिलिटीज काउंटिंग मतलब छोटा भी हो सकता है ना। पहले छोटा वाला लिखोगे फिर कैपिटल टी लिख दिया किसी ने तो भी तो एक टाइप का प्रोबेबिलिटी हुआ ना। यस आया समझ में? सर, मतलब छोटा टी आगे रख दिया तो डॉट प्लांट होगा ना, क्योंकि वो डोमिनेंट कर जाएगा। डॉट नहीं, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा तो इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा है? सर कैपिटल टी तो टॉल ही होगा। इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल आर, मतलब कुछ भी हो बड़ा वाला जो है ये राउंड वाला है वो डोमिनेंट होगा ना। हाँ, तो ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसा और चार पॉसिबिलिटीज बनता है, इसलिए यहाँ पे टोटल कितना बनता है, एट पॉसिबिलिटीज होते हैं, क्योंकि हम लोग पॉसिबिलिटीज को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इसके बाद F2 जनरेशन में क्या करते हैं, मतलब F1 जनरेशन वाले को हम लोग क्या करेंगे, सेल
सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूं, यहां पे याद रखने कैसा बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ही सारा बना है। तो अभी F1 जनरेशन वाले को मैं क्या करूं, सेल्फ पॉलिनेशन करवा, क्या क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, ये F1 जनरेशन का प्लान। इसमें हम लोग क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन करवाए। अभी देखो इससे कैसा कैसा F2 जनरेशन में जो बनेगा प्लान वो थोड़ा समझते हैं कि कैसा कैसा बनेगा, ठीक है। अभी देखो इसका जो गैमिट बनता है, कैसा कैसा गैमिट बनता है, इसको मैं तीन स्क्वायर से आप लोगों को समझाता हूँ। F2 जनरेशन कल बताया था ना, पीनेट स्क्वायर आप लोगों को समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। सर वो जो GF1 और मतलब मेल या फीमेल वाला करके जो वो वाला क्या? हाँ एक स्क्वायर टाइप का जो बनाते थे हम लोग, इसको अच्छे से समझो, बड़ा बड़ा करके बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से। देखो एक मेल के लिए होगा और एक फीमेल, ये मेल और ये हो गया फीमेल। देखो ध्यान से सुनो, मेल का जो गैमेट बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा। देखो इसके पास ये चार क्या है, इसके पास चार क्रोमोसोम का जीन है। अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा, देखो इसका जो गैमेट बनेगा कैसे बन सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर बन सकता है क्या, यस उसके बाद दूसरा बन सकता है कैपिटल टी के साथ हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, हो सकता सर, है, और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर बन सकता है, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर बन सकता है, ये इतने तरीके का गैमेट बन सकता है क्या, बोलो। यस सर, हाँ सर हो ऐसा ही फिर सकेगा। वाले क्या, ये फीमेल का भी गैमेट बना। अभी देखो ये लोग जब आपस में क्रॉस करेंगे, देखो ये पहला वाला और ये, तो जो चाइल्ड बनेगा वो कैसा होगा उनका, उसके पास क्या आएगा, कैपिटल टी टॉल कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल आर, ऐसा आएगा ना जीन उसके पास। एंड लाउड, लाउड, यस सर, पहले सारा लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वो कैसा होगा। ये सेकेंड वाला फर्स्ट वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा बनाएगा। थर्ड वाला फर्स्ट वाले के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर कैपिटल, ये फर्स्ट वाला इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा बनेगा। सेकेंड लाइन कंप्लीट करते हैं, ये फर्स्ट वाला इसके साथ मिलेगा कैसा बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल, सेकंड सेकंड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल, थर्ड वाला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, थर्ड लाइन कंप्लीट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगा स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर,
स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये समझ में आया आप लोगों यस सर, को? ये जो ओके चाइल्ड समझ में आ गया ना? अभी देखते हैं जो चाइल्ड हुआ है वो कैसा हुआ है। पहला वाला जो चाइल्ड है वो कैसा होगा, ये वाला, इसके बारे में बताओ टॉल क्या एंड होगा। राउंड सर, टॉल एंड अरे राउंड सर, हाँ, ये टॉल होगा और साथ में राउंड होगा। सेकंड वाला टॉल एंड सर राउंड, वो भी टॉल टॉल एंड राउंड होगा। यस, टॉल एंड राउंड। थर्ड वाला सर टॉल एंड राउंड, राउंड टॉल एंड राउंड। फोर्थ वाला सर टॉल टॉल एंड राउंड, राउंड। टॉल एंड राउंड। ये वाला बताओ। टॉल एंड राउंड, राउंड यस, टॉल राउंड। उसके बाद वाला टॉल एंड टॉल एंड रिंकल, राउंड, यस, टॉल होगा, साथ में कैसा होगा, रिंकल। इसको अलग पेज से दिखाते हैं। ये होगा टॉल और साथ में कैसा होगा, रिंकल्ड। अच्छा, उसके बाद वाला कैसा होगा बताओ। टॉल एंड राउंड, टॉल एंड टॉल एंड राउंड। राउंड। चलो, ये भी होगा टॉल और साथ में होगा राउंड। उसके बाद वाला टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल यस, टॉल एंड रिंकल्ड। चलो, उसके बाद वाला बताओ। ये वाला टॉल एंड टॉल राउंड। टॉल एंड राउंड। ठीक है, उसके बाद टॉल वाला एंड राउंड होगा, टॉल एंड राउंड होगा। टॉल एंड राउंड। उसके बाद वाला ड्रॉफ एंड राउंड, राउंड यस, ड्रॉफ राउंड। उसके बाद वाला ड्रॉप एंड राउंड, ठीक है, उसके बाद टॉल एंड राउंड, ऑल एंड यस, राउंड, उसके बाद वाला टॉल एंड ऑल रिंकल। एंड टॉल एंड रिंकल। ठीक है, उसके बाद वाला डॉट्स एंड राउंड। ड्वार्फ। एंड राउंड। लास्ट वाला ड्रॉप एंड रिंकल, डॉट्स ड्वार्फ एंड रिंकल। तो देखो, यहाँ पे हमको कितने टाइप का प्लांट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहला टाइप मुझे मिला टॉल चार एंड टाइप राउंड, फ्लैग। यस, टॉल एंड राउंड एक मिला। दूसरा टाइप मिला आपको टॉल एंड कैसा है, रिंकल्ड। थर्ड टाइप आपको क्या मिला, ड्वार्फ एंड राउंड। और लास्ट टाइप क्या मिला आपको, तो कितना कितना मिला सारा। देखो तुम, टॉल एंड राउंड कितना मिला, काउंट करके बताओ। टॉल एंड राउंड कितना मिला है, सर यस, ये मिला 9। टॉल एंड रिंकल्ड, थ्री, सर यस, 3। ड्वार्फ एंड राउंड, थ्री, यस। और ड्वार्फ एंड रिंकल्ड कितना मिला, वन। 1।
तो देखो यही क्या हो गया, फेनोटाइपिक रेशियो। मैंने बताया था ना आप लोगों को, फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जो मुझे दिखता है, जो फिजिकल अपियरेंस होता है, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो। तो आपसे यही पूछेगा कि फेनोटाइपिक रेशियो बताओ। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1। समझ में आया? फेनोटाइपिक रेशियो कैसा हो गया इसका, 9:3:3:1। ये मिलता है फेनोटाइपिक रेशियो। और कैसे कैसे कलर, कैसे कैसे टाइप का मिला, ये तो आपको दिख ही रहा है। समझ में आया या नहीं आया बोलो। यस सर, सर हाँ, तो यही आपसे पूछता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस जब होता है, उसमें देखो जेनोटाइप नहीं पूछेगा, क्योंकि जेनोटाइप बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों से सिंपली पूछता है फेनोटाइपिक रेशियो। तो याद रखना फेनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:2। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन पूछा था, कि इन पी प्लांट, आप लोग बताना ही है आंसर, फाइंड द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। फाइंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोला था, इफ फर्स्ट पोजिशन ऑफ फ्लावर इज टर्मिनल, दूसरा फ्लावर इज वाइट इन कलर, थर्ड शेप ऑफ पोड इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। बताओ क्या होगा इसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। बोलो भूल गए हो, समझ में नहीं आया। अलग आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है अपोजिट। जैसे मैंने बताया था ना कि मेंडल जो थे, उससे पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किए थे, क्योंकि वो सेवन पेयर ऑफ, देखो दो तीन रीजन था, इसमें एक रीजन ये भी था ना, ये जो सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मैंने बताया था, इसको याद रखना है आप लोग। जैसे हाइट ऑफ प्लांट में अगर टॉल होगा तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होगा, ड्वार्फ। सीट अगर राउंड है तो क्या होगा, रिंकल। सीट का कलर येलो है तो ग्रीन। पोर्ट का शेप इन्फ्लेटेड है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोर्ट का कलर ग्रीन है तो येलो। फ्लावर का कलर पर्पल वाइट। फ्लावर का पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल, दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं आपसे सब पूछ रहा है ना। कॉन्ट्रास्टिंग। हाँ, जैसे अगर फ्लावर टर्मिनल है तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, एक्सियल एक्सियल। अगर फ्लावर का कलर व्हाइट है तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, पर्पल। पर्पल या वायलेट भी होता है, ठीक है, या वायलेट भी बोल सकते हैं, दोनों होते हैं। अच्छा, अगर पोर्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होगा, इन्फ्लेटेड इन्फ्लेटेड। यस, इन्फ्लेटेड। ठीक है, तो यही लिखना था यहाँ पे। तो उससे क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, 2015 में ये पूछा था। देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो ध्यान से सुनना। बोला है स्टडी द क्रॉस
एंड सोइंग सेल्फ पॉलिनेशन इन एफ टू एफ वन. बोले फिल इन द ब्लैंक and answer the question. ऐसा दिया हुआ था. parent सर राउंड और येलो ना. हाँ अभी यहाँ पे दिया ऐसा दिया उसके बाद पहला एक क्वेश्चन पूछा. ये क्वेश्चन देखो तो समझ में आ रहा है. सर अगर सोइंग सेल्फ पॉलिनेटेड है तो आर आर वाई आर कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई कैपिटल वाई और स्मॉल आर होना चाहिए. क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे. हाँ ठीक है. स्टडीड अक्रॉस मतलब वो क्वेश्चन मार्क को ना ये क्रॉस के बाद जो है. हाँ क्रॉस मार्क को पहले बताना है कि वहां पे क्या होगा. उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. पहला एक क्वेश्चन दिया है कि नेबर क्वेश्चन व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इन एफ टू प्रोजेक्ट. राउंड एंड येलो बस एफ टू का बात कर रहे हैं. राउंड एंड येलो और व्रिंकल्ड एंड येलो व्रिंकल्ड एंड ग्रीन. हाँ देखो एक चीज समझाते हैं. इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसको थोड़ा सा देखो फिर इसका आइडिया लगेगा. यहाँ पे क्या था हमने कैसा कैसा प्लान लिया था और कैसा कैसा प्लान बना इसको थोड़ा सा ध्यान रखो. देखो प्लान था टॉल. सबसे पहले मैंने कह दिया था टॉल एंड राउंड ड्वार्फ एंड रिंकल. तो यहाँ से अल्टीमेटली जो पॉसिबिलिटीज है बनने का वो क्या क्या बन सकते हैं इसके बारे में सोचो. आप लोग क्या क्या बन सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एफ वन एफ टू ये भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए. प्लान कैसा कैसा बन सकता है. या तो प्लान प्योर टॉल और राउंड होगा. टॉल एंड राउंड बन सकता है ना.
बोलो। दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि टॉल के साथ क्या हो जाए, रिंकल्ड हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या होगा कि वो ड्वार्फ के साथ कैसा हो जाए। अराउंड और फोर्थ पॉसिबिलिटीज क्या है, ड्वार्फ के साथ क्या हो जाए, बिल्कुल रिंकल्ड। देखो ध्यान से सुनो, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जैसे टॉल और ड्वार्फ, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, टॉल एंड ड्वार्फ, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल। टॉल ठीक है, और राउंड और रिंकल में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, सर राउंड। राउंड राउंड। राउंड तो इस ध्यान से सुनना, देखो अगर हम लोग ये डाईहेड्रल क्रॉस करते हैं तो फिक्स है रेशियो 9:3:3:1 ही आता है। अभी 9 कौन आएगा, देखो जो दोनों जिसमें डोमिनेंट होगा वो ज्यादा मिलेगा ना, जो करेक्टर डोमिनेंट है वो ज्यादा अपियर करेगा। तो इसलिए देखो टॉल और ड्वार्फ में टॉल क्या है, डोमिनेंट था, और राउंड और रिंकल में डोमिनेंट कौन सा था, राउंड। तो टॉल और राउंड वाला सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब ये कितना मिलेगा, 9 मिलेगा ना, बोलो। यस सर और देखो जो सबसे मतलब दोनों में जो रिसेसिव है, जैसे रिसेसिव क्या है, ड्वार्फ, और ये क्या है, रिंकल। ये क्या है, सबसे रिसेसिव है, मतलब रिसेसिव है ना, ये डोमिनेंट तो नहीं है, तो ये सबसे कम मिलेगा, मतलब जिसमें ड्वार्फ और रिंकल हो गए ये सबसे कम मिलेगा। तो सबसे कम वाला रेशियो क्या मिला, 1 मिला। समझ में आया। यस सर और जो हाइब्रिड होता है वो दोनों इक्वल होता है, मतलब तीन तीन मिलते हैं। तो रेशियो होता है ना फेनोटाइपिक में, 9:3:3:1। सर एक बार वो वाला कौन क्वेश्चन था जो टी आर और आर आर था ना। वो क्वेश्चन में, मैं बाद में जाऊंगा, पहले ये समझ में आया। यस सर यस ठीक है, अब देखो अभी हम लोग ये इस क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी देखो क्वेश्चन इसका थोड़े टाइम के लिए भूल जाओगे क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है इसमें कितने टाइप का प्लांट बनेगा F2 वाले में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बताओ। सर ये प्लांट तो राउंड राउंड या येलो बन जाए, राउंड होगा, येलो, ठीक है। दूसरा या ग्रीन, सर राउंड के साथ ग्रीन हो जाएगा, उसके साथ रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड और येलो। हाँ रिंकल्ड, और लास्ट वाला रिंकल या ग्रीन। ये चार पॉसिबिलिटीज था ना। अभी देखो इसमें दोनों में सबसे डोमिनेंट कौन सा था, राउंड, और रिंकल में डोमिनेंट कौन सा है, राउंड। देखो कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट है, कैसे पता, यहाँ तो कुछ बताया नहीं है ना कि राउंड रिंकल, हालांकि आप लोग जानते हो कि राउंड क्या है, आपको पता है डोमिनेंट होता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा अगर ये लोग क्रॉस F1 जेनेसिस में जो अपियर किया, जैसे ये बता दिया ना कि कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर भी ये क्या राउंड है, इसका मतलब इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा था, बताओ। राउंड वाला डोमिनेंट यस था तभी राउंड हुआ ना, अगर वो रिंकल्ड वाला अगर डोमिनेंट होता तो यहाँ पे क्या मिलता आपको, रिंकल्ड मिल जाता। और येलो और ग्रीन में कौन सा डोमिनेंट था, ऑब्वियसली येलो होगा, तभी तो मुझे येलो मिला है ना, बोलो। यस सर तो अभी देखो इन दोनों में जो राउंड और येलो आपको पता चल गया ये डोमिनेंट है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यही मिलेगा ना, तो इसका रेशियो में कितना आएगा, 9। और रिंकल्ड और ग्रीन ये क्या है, सब दोनों में क्या है, डोमिनेंट नहीं है, तो सबसे कम यही मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, और ये दोनों क्या मिलता है, इक्वल मिलता है, जो मिक्स टाइप होता है, तो ये 3 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा। तो यही तो क्वेश्चन था ना, ये वाला फर्स्ट वाला। बोला इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इन F2 प्रोजेनी, तो
F2 पॉलीजिनी में कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? ये चार हो सकता है, ये चार क्या होगा, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, और इसका रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1। आया समझ में? टोटल 16 को प्लांट उगेगा जिसमें से 9 को टॉल राउंड और येलो कलर का सीड का होगा, एक राउंड और ग्रीन का, ऐसे ना? हाँ भाई, पर मतलब ये रेशियो हर रहता है। हाँ, डायहाइब्रिड में फिक्स होता है रेशियो 9:3:3:1। मोनोहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1, और जेनोटाइपिक क्या होता है? 1:2:1। ये फिक्स रेशियो है। अरे क्वेश्चन मार्क का क्या होगा? F1 में तो सेमी टाइप मिलता है ना, तो क्वेश्चन मार्क्स में क्या होगा? यही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, क्या होगा ना? Pollinated in F1, मतलब वही वाला होगा जो पहला दिया हुआ है। क्योंकि F1 में तो आप लोग जानते हो ना क्या मिलता है, सेमी टाइप मिलता है। मतलब उसका कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई आर स्मॉल आर का मतलब क्या है? ये तो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है, ये येलो और रिंकल्ड हो सकता है। नहीं, इसका मतलब ना, इसका मतलब सर, आप जो सर आप जो लिख रहे हैं वो आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, मतलब समझ नहीं आ रहा ये वाला। हाँ सर, अभी जो आप ब्लैक कलर से लिख रहे थे ना, वो वाला। तो ये तो सेम ही होगा ना दोनों, F1 में क्या होता है, सेम टाइप का ही तो मिलता है ना। वो समझ गया सर, मतलब वो समझ गया सर, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखे है ना। हाँ, और कैपिटल वाई आर स्मॉल आर, इसका मतलब एक राउंड कलर का सीड हो सकता है, ये रिंकल्ड हो सकता है, और एक येलो कलर का होगा, ये रिंकल्ड होगा, ये स्मॉल वाई होगा। ठीक है ना, ये स्मॉल वाई होगा। वही तो हम तब से कर रहे थे, नहीं आ रहा था, उसने हम पूछे कि क्या हो गया। स्मॉल वाई होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग आंसर देना, ध्यान से देख के बताना, जो खुद से समझना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डायहाइब्रिड। एक करेक्टर देगा मतलब क्या होगा? मोनोहाइब्रिड। दो देगा मतलब क्या होगा? बोला है, देखो क्वेश्चन है कि इन ए पी प्लांट राउंड सीड इज डोमिनेंट over wrinkled. If a cross is carried out between these two plant, give answer to following question. First, mention the gene for trait of parent. Second question, state the trait in F1 generation. Third, write the ratio of F2 progeny obtained from this cross. What is the name of ये question है? क्या होगा बताओ?
जनरेशन मतलब उसका वो ना सर चारों टॉल टॉल मतलब राउंड होगा, चारों राउंड होगा. रेशियो थ्री टू वन होगा क्योंकि वो वाला है क्या बोलते हैं इसको मोनोहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड. हाँ तो रेशियो में दो रेशियो होता है ना, दोनों बताओ. थ्री इज टू वन और वन इज टू टू इज टू वन. थ्री इज टू वन कौन सा रेशियो है वो जो देखते हैं प्रोस्टेटिक कुछ करके? हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोला है मेंशन द जीन फॉर ट्रेट ऑफ पेरेंट, मतलब राउंड सी है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर. और दूसरा वाला रिंकल्ड वाले को कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल. ये क्या हो गया राउंड वाला, ये क्या हो गया रिंकल्ड वाला. आपको पता है कि जो F1 जनरेशन होगा उसमें कैसा होगा, ऐसा मिलेगा ना F1 जनरेशन yes, मतलब ये क्या मिलेगा, हाइब्रिड होता है ये. और ये कैसा देखने में कैसा लगेगा, राउंड. यस ये लगेगा राउंड. और F2 जनरेशन में क्या होता है, दो टाइप का रेशियो मिलता है, एक होता है फेनोटाइपिक और एक क्या था जीनोटाइपिक. फेनोटाइपिक रेशियो इज व्हाट, 3 टू 1. और जेनोटाइपिक क्या होता है, 1 टू 2 टू 1. और बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ क्रॉस, क्रॉस कैसा है, इसका नेम क्या है, मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्या है. मोनो हाइब्रिड यस क्योंकि हम लोग एक ही कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं ना, तो नेम ऑफ क्रॉस क्या हो जाएगा. Yes, sir. मतलब इसमें स्मॉल आर तीन गो होगा और आर आर एक होगा ना. हाँ निकल रहा है इसमें देखो, प्योर कैपिटल आर वाला एक होगा, कैपिटल आर ऐसे टाइप का दो मिलेगा. और देखो इसमें खुद ही सोचो ना क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा. मोनोहाइब्रिड में होता है तीन टाइप का पॉसिबिलिटीज, मतलब देखने में तो दो ही टाइप का होगा. मैंने देखो यहाँ पे दिखाया था ना ये चीज मोनोहाइब्रिड का, देखो अगर हम सिंपली देखे टॉल और ड्वार्फ के बारे में तो वो क्या होगा, तीन टॉल होगा एक क्या होगा ड्वार्फ होगा. अभी जेनोटाइपिक में एक क्या है, होमोजाइगस टॉल, मतलब दोनों के पास क्या सेम है. और ये दोनों भी टॉल है लेकिन ये कैसा टॉल है, हेटरोजाइगस है क्योंकि इसमें क्या है स्मॉल नदी है. और एक क्या मिलेगा, प्योर ड्वार्फ मिलेगा. आया समझ में? यस सर. क्वेश्चन सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि इन ह्यूमन इफ जीन कैपिटल बी गिव ब्राउन कलर, एंड जीन स्मॉल बी गिव ब्लू कलर या ब्लू आईज, बोला तो व्हाट विल बी. कलर ऑफ पर्सन आई हैविंग फॉलोइंग कॉम्बिनेशन,
फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी ए ए ऑप्शन ए, ये ऑप्शन नहीं है, तीनों में बताना है क्या होगा कलर ऑफ आईज सर। फर्स्ट वाला में तो सर ब्लू ब्राउन होगा सर, पहला में ब्राउन में ब्लू होगा, तीसरा में ब्राउन होगा। देखो ये चीज याद रखना कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया कौन डोमिनेंट है तो जो कैपिटल लेटर से लिखा होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। मतलब कि ब्राउन और ब्लू, इसमें कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है? ब्राउन। तो आप मुझे बताओ कि ये जो चाइल्ड है इसका आई का कलर कैसा होगा? ब्राउन। ब्राउन। ये चाइल्ड का कलर कैसा होगा? ब्लू। ब्लू। और ये चाइल्ड का कलर कैसा होगा? ब्राउन। ब्राउन। सर दो है, दो एक हेट्रोजीनियस और दो होमोजीनियस। और जा सर हेट्रो कुछ था ना, जीनियस नहीं था, सॉरी सर हेट्रोजाइगस, जाइगस, हाँ सर जाइगस। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ में आता है वो लोग नहीं बना पाते। देखो क्वेश्चन में दिया था कि टू प्लांट, ध्यान से अच्छे समझना, ए विथ वाइट फ्लावर एंड बी विथ रेड फ्लावर, वी आर क्रॉस्ड। The F1 progeny so all red flower and F2 has three red and one white. Categorize the trait as dominant and recessive. Dominant, recessive white. Yes. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो कितना ये आप लोग का बुक में हॉट करके दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि इजी तो लग रहा है। मुझे दिख रहा है कि F1 में सारा कैसा हुआ रेड कलर का, इसका मतलब कौन सा डोमिनेंट है? W, मतलब कुछ भी रेड ले लेंगे। रेड क्या है? डोमिनेंट है। और व्हाइट क्या है? रिसेसिव है। अगर इसको मुझे दिखाना होता तो मैं ऐसे दिखाता, मतलब रेड का कैपिटल आर लेते ना। हाँ, अब इस तरीके से देखो, इसको बोल सकते हो कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि इन F1 क्या है, ऑल प्लांट हैव कैसा कलर का है? रेड कलर, रेड कलर फ्लावर। एंड इन F2 three red and one white, ठीक है, one white, so that dominant trait क्या है?
डोमिनेंट ट्रेट इज रेड कलर एंड रिसेसिव ट्रेट क्या है व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर। इसका देखो अगर मुझे क्रॉसिंग दिखाना होगा तो हम लोग कैसे दिखा सकते। देखो क्या लोगे कैपिटल आर कैपिटल आर ये क्या होगा रेड और स्मॉल आर स्मॉल ये क्या होगा व्हाइट। ये हो गया पेरेंट के लिए ना ये पेरेंट है एफ वन में कैसा होगा वो तो एफ वन जनरेशन के लिए ना एफ वन जनरेशन में कैसा मिलेगा बताओ सारा प्लांट कैसा मिलेगा सर आर कैपिटल आर स्मॉल ऐसा कैपिटल आर फिर एफ वन को सेल्फ पॉलिनेशन करोगे मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर तो जो चार टाइप का बनता है वो कैसा कैसा बनता है वही दिखाना है। तो या तो आप इसको पनीर स्क्वायर से दिखाओ ऐसा ऐसे कर देना ऊपर मेल कर देना नीचे फीमेल। इसमें देखो दो कैसे कैसे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर ये गैमेट होगा और इसका गैमेट क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे बनेगा कैसा कैपिटल आर यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर और ये क्या बनेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो कैसा मिला हालांकि उन लोग बता ही दिया ये रेड है ये भी रेड है ये भी रेड है और वन के है व्हाइट है तो ये हो गया फेनोटाइप। जेनोटाइपिक भी दिख रहा होगा आप लोगों को प्योर रेड कितना है जेनोटाइपिक अगर मुझे निकालना होगा तो सर प्योर रेड वन हेट्रो रेड टू और एक व्हाइट। यस प्योर रेड से ज्यादा अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस रेड। हेट्रोजाइगस रेड और एक क्या होगा होमोजाइगस व्हाइट। ये कितना है वन होमो हेट्रोजाइगस रेड कितना है दो और व्हाइट कितना है वन तो ये क्या हो गया जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। आया समझ में? यस सर। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये बोला था ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन कि इन मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ही टुक टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब कौन सा क्रॉस का बात कर रहे हो लोग मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड बोले वो सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया सर नेटवर्क प्रॉब्लम। बोला था कि इन मेंडल एक्सपेरिमेंट ही टू टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड पहला क्वेश्चन
what was the phenotype of offspring in F1 generation? And dusra, what was the ratio of offspring in F2 generation? What was the ratio of phenotype? क्या होगा बताओ सर? ये डाई हाइब्रिड लग रहा है क्योंकि एक वो ये है, दो चीज, दो करेक्टर है ना, राउंड है और साथ में कलर भी बोला, तो डायब्रिड क्रॉस है। तो पहला वाला जनरेशन जो होगा उसमें तो सारा एक ही टाइप का होता है ना, तो सारा कैसा होगा? ऑल मेयर क्या होगा? राउंड होगा, येलो। और सेकंड में फेनोटाइपिक रेशियो कैसा कैसा आएगा बताओ? 3:1। हाँ, देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, प्लांट ऐसा बनेगा, राउंड बनेगा, येलो बनेगा। राउंड के साथ क्या हो सकता है? ग्रीन। रिंकल्ड के साथ क्या होगा? सॉरी, रिंकल्ड के साथ होगा येलो। और रिंकल के साथ क्या होगा? ग्रीन। तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन करता है? राउंड येलो डोमिनेंट करता है, तो सबसे ज्यादा यही होगा। 9 रिसेसिव क्या? रिंकल एंड ग्रीन, ये क्या होगा? 1। और ये दोनों इक्वल होते हैं, 3। ये रेशियो। और अगर कुछ नहीं दिया होगा तो जैसे राउंड और येलो, तो जैसे जो बुक में दिया है येलो वो करता, तो वही मान के रखेंगे ना? वही हैंडल जो शुरू में, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना, देखो यहाँ पे ये, इसमें आपको टॉल डॉल कौन सा डोमिनेंट है? टॉल। राउंड रिंकल में राउंड, येलो ग्रीन में कौन सा डोमिनेंट होता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. सर ह्यूमन का तो साइंस में निकला ना, क्योंकि उतना तो कोई वो ही नहीं कर सकता है, जी ही नहीं सकता ना उसका ट्राई के लिए। ह्यूमन का जैसे मान लो वही है, कितना जनरेशन पे आप ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट? ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं, तो ऐसे प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए पी प्लान पे किए थे। आया समझ में? यस सर। सर साइंटिस्ट के जनरेशन वाइज नहीं कर सकते पे? सर जैसे साइंटिस्ट ही का जनरेशन, उसका भी जनरेशन, जैसे वो हुआ अलग अलग साइंटिस्ट का जनरेशन, जैसे कोई यंग ये सबको लेके, तो वो लोग नहीं कर सकता था दूसरा पे? नहीं, वैसे नहीं कर सकता। जैसे 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 मेरे दादाजी हुए, पापा हुए और हम हुए, उस पे नहीं कर सकते हम लोग? केवल पे नहीं करने से, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि हेड और टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़े हो ना? यस सर। तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन कि अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का कितना होता है? सर 1 मतलब क्या होता है कि अगर आप दो बार, अगर मान लो मैंने कॉइन टॉस किया तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल है, ये होता है ना? यस सर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अभी एक कॉइन लो और दो बार तुम उसको टॉस करो, क्या जरूरी है कि एक बार हेड और एक बार टेल ही आएगा? नो सर, दोनों बार हेड आ सकता है। तो इसलिए देखो ये जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, ये 2, 3, 4 ऐसे इवेंट को देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाँ, अगर मैं 1 लाख टाइम
इतने टाइम्स अगर कॉइन को टॉस करूं तो चांसेस है कि 50,000 क्या होगा, 50,000 टाइम्स क्या आएगा, हेड आएगा, और 50,000 टाइम्स क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी बताया जाता है वो बहुत बड़ा नंबर पे एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है। और मेंडल क्या यूज किए थे, प्रोबेबिलिटी तो यूज किए थे ना। यस सर, दो या तीन जनरेशन देख के नहीं समझ में आता उनको, कम से कम 50, 100, 1000 ऐसे जनरेशन को चेक करना पड़ता। ठीक है? यस सर। हाँ, इसलिए नहीं हो पाया था। ठीक है, चलो आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल वाला करा देंगे, फिर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, बाय सर।